Hi guys, welcome back to my channel. My name is Falak and welcome back to another video. And so अभी मैं अपना बैग पैक कर रही थी एंड आई एम सो सॉरी अगर इस वीडियो की स्टार्ट में आपको एकदम लो वाइब्स फील हुई हो मेरी तरफ से, बट आई वॉज जस्ट पैकिंग माई बैग. कल मेरी फ्लाइट है, इट्स 10:15 रात में एंड सुबह 6:45 बजे मुझे निकलना है यहाँ से. इट्स अ 3-day पैटर्न. फर्स्ट डे हैदराबाद ले ओवर है एंड सेकेंड डे बैंगलोर ले ओवर है एंड देन थर्ड डे आई विल बी कमिंग बैक टू माई प्लेस. सो दिस इज द लास्ट टाइम दैट आई एम पैकिंग माई बैग फॉर द फ्लाइट एंड दिस इज माई लास्ट फ्लाइट. टेक्निकली ये एक 3-day पैटर्न है, सो इसके बाद मेरी एक और फ्लाइट है बट उसमें मैं किसी भी क्रू को जानती नहीं हूँ. आई होप्ड के मेरी लास्ट जो फ्लाइट होगी वो किसी एटलीस्ट एक क्रू को तो मैं जानती होंगी बट मैं किसी को भी नहीं जानती. सो उस फ्लाइट में मुझे कुछ बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं है. हाउएवर टुमोरो आई एम फ्लाइंग विद ऑल द बेस्ट पीपल फ्रॉम कोची एंड मैंने सबके साथ पहले फ्लाई करा है तो यू नो देयर इज अ बॉन्ड बिटवीन एवरी वन ऑफ अस एंड आई नो इट्स गोइंग टू बी एन अमेजिंग 3-day पैटर्न एंड आई रियली लुक फॉरवर्ड टू इट. बट द फैक्ट दैट I was just packing my bag for the last time, so I was feeling बहुत मुझे बहुत ज़्यादा overwhelming लग रहा था, तो मैंने सोचा कि वीडियो बनाते बनाते साथ में बैग पैक करते हैं. सो अभी तक मैंने क्या रख लिया है आई विल शो यू एंड ऑल्सो दीज आर द थिंग्स विच अ कैबिन क्रू कैरीज मोस्टली ऑन ऑल ऑफ देयर फ्लाइट्स, क्योंकि हम लोगों को पता नहीं होता है कि हमारा कब ले ओवर हो जाए. तो इसीलिए जो आप लोग एक बैग देखते हो ना एयरपोर्ट पे, हर क्रू एक लेके जा रहा होता है, उसमें मोस्टली ये सब चीज़ें होती ही होती हैं. सो स्टार्टिंग विद दिस, दीज आर माई फ्लाइट डॉक्यूमेंट्स और ये एक एम्प्टी चिप्स का पैकेट है जो कि मैंने अभी तक फेंका नहीं है, बेड पे पड़ा है. सो दीज आर माई फ्लाइट डॉक्यूमेंट्स जो कि मुझे हर फ्लाइट पे कैरी करने पड़ते हैं. दिस इज क्विक रेफरेंस हैंडबुक, इसमें सारे सब कुछ है फर्स्ट एड से लेके इमरजेंसी प्रोसीजर तक, इनकेस आप कभी कुछ भूल गए तो आप इसमें से जल्दी जल्दी देख सकते हो कि क्या करना है. एंड दिस इज मैंडेटरी टू कैरी इन द फ्लाइट. दिस की चेन आई गॉट फ्रॉम दुबई. सब पूछते हैं ये कहाँ से लिया कहाँ से लिया. उसके बाद यहाँ पे ये मेफ्टल्स पास है और ये एक मेरी बननेट है, डिस्प्रिन, ये एक बैच है, मोर मेडिसिन, दिस इज़ अ मिनी कुरान, ये मैं आपको दिखाती हूँ. ये मेरी मम्मी ने मुझे अभी रिसेंटली दिया था तो सो आई जस्ट कीप दिस इन माई बैग. वेट आई विल शो यू. सो दिस लुक्स लाइक दिस एंड आई कैरी इट विद मी ऑन ऑल ऑफ माई फ्लाइट्स. ये मैं इसी में डाल के रखती हूँ, निकालती नहीं हूँ मैं अपने बैग में से. और भी है इसमें कुछ, ये वैसलीन का मेरी एक बार नज़ला हो गया था तो तब से ये मेरे बैग, इसको क्या बोलते हैं मुझे नाम भी नहीं याद आ रहा है इसको, वो जो नाक बंद हो जाती है ना तब वो हम लोग जो यूज़ करते हैं, नाम ही नहीं याद आ रहा है. दिस इज़ अ चॉकलेट एंड और क्या है इसमें, कुछ 220 रुपीस पड़े हुए हैं. दीज आर सम ऐसे पेपर्स हैं. एंड कमिंग टू माई बैग, दिस इज़ ऐसे ये कार्गो पैंट्स हैं. आई गॉट इट अभी मैं कुवैत गई थी तो मैं वहाँ से लेके आई थी. प्लेन वाइट कलर के H&M से. दिस इज़ अ टॉप टू वेयर ऑन माई लेओवर. दिस इज़ माई नाइट सूट. एंड ये मेरा पाउच है जो कि मुझे बाहर रखना है, पता नहीं अंदर कब रख दिया मैंने. दिस इज़ जस्ट अ नोटबुक दैट आई कैरी, बेसिकली दिस इज़ माई जर्नल जो कि मैंने एक नोटबुक में बनाया हुआ है. और ये सब तो मैं कल सुबह ही रखूँगी. बेसिकली ये वाला पाउच मैं कैरी करती हूँ फ्लाइट में. इसमें मेरे सारे सामान हैं, मेडिसिन, मेकअप, फेस वॉश, कोम्ब, एवरीथिंग इज़ देयर. दिस इज़ माई मेकअप रिमूवर विच आई गॉट फ्रॉम मिनीसो. और दिस इज़ माई शेल्फ जो कि अभी बहुत मैसी है, बहुत ज़्यादा. आज कोची में सुबह से बारिश हो रही है, अभी तो रात हो गई है वरना मैं आपको दिखाती, यहाँ से एकदम पूरा ग्रीन ग्रीन दिखता है. एंड मेरा भी बेड भी इट्स वेरी मैसी, अभी मुझे ठीक करना है ये. कल की यूनिफॉर्म मैंने यहाँ पे रख दी है अपनी. और दिस इज दीज आर माई एक्सेसरीज, पार्ट ऑफ माई यूनिफॉर्म. ये भी यहीं पर रख देती हूँ वरना इसमें से मैं कभी ना कभी कुछ मैं भूल ही जाती हूँ.
और क्या रखना है, एंड दिस इज मी। ये मैंने अभी ये मैं अभी लेके आई थी कुवैत से बॉडी क्रीम। दिस इज सो नाइस, इसकी खुशबू इतनी अच्छी है ना, मतलब मन करता है कि इसको बस खा लो आप। दिस इज फ्रॉम बाथ एंड बॉडी, इसके पीछे मेरी सनस्क्रीन रखी है, ये भी मैंने अभी मंगवाई है, सेरामाइड एंड वाइटामिन सी सनस्क्रीन। आई एम श्योर ये आपने बहुत जगह देखी होगी। दिस इज बॉडी इल्यूमिनेटर विच आई गॉट फ्रॉम H&M ब्यूटी। दिस इज नॉट अवेलेबल इन इंडिया, दिस ऑल्सो आई गॉट फ्रॉम कुवैत। एंड एक और बैग भी होता है हम लोगों के पास, मैं आपको दिखाती हूँ छोटा सा, उसमें मैं यूजुअली अपना चार्जर और ये जो मेकअप पाउच है ये सब कैरी करती हूँ, चार्जर वगैरह, चार्जर, आईपैड, एवरीथिंग, एंड ऑल्सो अ नॉवल टू रीड अगर मुझे टाइम मिलेगा तो फ्लाइट में। वैसे यूजुअली मिलता नहीं है बट आई ऑलवेज कैरी वन। सारा घर मैं अपना बंद रखती हूँ, पता नहीं कहाँ से कॉकरोच आ जाते हैं कहीं से, तो आई हैव नो क्लू, मतलब मैं इतने टाइम से फिगर आउट करने की कोशिश कर रही हूँ कि कॉकरोच आते कहाँ से, बट आ जाते हैं। जैसे ही बारिश हुई यहाँ पे कॉकरोच आ गए, एंड अभी कोची में रोज़ बारिश हो रही है डेली, आज पूरे 4 बजे से लेके अभी 9 बजे तक कॉन्टिन्यूसली बारिश हुई है आज। आई एम जस्ट सो ओवरवेल्म, तो मतलब आई जस्ट कांट बिलीव दैट, मतलब यू नो व्हेन आई वाज ऑन माय नोटिस पीरियड, सो मतलब आई वॉज काइंड ऑफ लिविंग इन अ डिनाइल कि हाँ ठीक है अभी तो बहुत टाइम है, आराम से बैठ के बातें करते हैं, अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो यू नो बहुत सारी फ्लाइट्स हैं, बट टुडे इट जस्ट हिट मी दैट। एंड अभी पता है मैं कॉल पे थी एंड मैंने बोला यार मैं ना वीडियो बनाने जा रही हूँ, बाद में बात करूँगी, एंड अब मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या बोलूँ, एंड आई एम सो सॉरी if you find this video too boring, I'm just recording this for myself because I just want to remember these feelings ke I'm packing my bag for the last time. Later. Anyway, no more sad talks. अदरवाइज लोग मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देंगे। सो ये दिस इज मेजरली व्हाट वी कैरी इन आवर बैग्स, एक एक्स्ट्रा क्लोथिंग, नाइट ड्रेस, मेकअप एंड ऑल द नेसेसरी एक्सेसरीज एंड द फ्लाइट डॉक्यूमेंट्स स्पेशली। सो टुमारो आई एम गोइंग टू गेट रेडी एंड जाऊंगी मैं फ्लाइट में, एंड आई होप कि बहुत अच्छी हो फ्लाइट मेरी। इफ आई गो आउट ऑन द लेओवर तो आई डेफिनेटली रिकॉर्ड एंड मेक अ वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू। सो आई एम डन विद माई बैग एंड आई शुड रियली गो बैक टू स्लीप। अगर मैं कैमरा ऑन रखूंगी तो मैं कुछ ना कुछ बकर बकर करती रहूँगी एंड यू ऑल आर गोइंग टू गेट बोर्ड। सो थैंक यू सो मच अगर आप यहाँ तक रुके फॉर दिस वीडियो, एंड I'll make the video soon on the reason of my resignation. Stay tuned for that. मुझे ना आई एम सो सॉरी, मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है, मैं कॉन्टिन्यूसली फ्लाइंग कर रही हूँ। कुवैत से आने के बाद मेरा एक दिन का ऑफ था और जिसमें मुझे पढ़ाई भी करनी होती है, तो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला एंड कल मेरी फिर से फ्लाइट है, तो मैं अच्छे से आराम से वीडियो बनाऊंगी द रीज़न वाई आई एम लीविंग माई जॉब। But yeah, thank you so much for watching and I hope you continue to watch my channel. I really, really hope that. And don't forget to be kind to everything that lives. Bye.